চারি যুগর কথা সঙ্গম যুগরে চারি যুগর কথা সঙ্গম যুগরে জ্ঞান গঙ্গার ঝরই সেই সুধারু টিকে পান করি দেলে সেই সুধারু টিকে পান করি দেলে সব পাপ জীব ধোই স্বয়ং পরমাত্মা ব্রহ্মমুখে পতিত উদ্ধার পাই জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান গঙ্গা নমস্কার দর্শক বন্ধু ज्ञानगंगार आज अध्याय को स्वागत करुच्ची मुरीना ज्ञानगंगार आज अध्याय विषय वस्तु आत्मदर्शन आई विषय आलोचनापी आज आम सहित उपस्थित अच्छा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भौणी रश्मि भौणी आपण को कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ तेज भौणी आम गत अध्याय आलोचना करें ये जो आत्मदर्शन आत्मा विषय आत्मा क्या नहीं कि गठित होता है जोटी की मन बुद्धि एवं संस्कार विषय आम आलोचना करुले ये तीनो जिनस आत्मा गठित हो तेज बुद्धि कौन मन कौन से संपर्क में आम तो आम दर्शक बंधु मानक जन सारी आज आम दर्शक बंधु मानक जाना जे ये संस्कार जिनसटी कौन संस्कार आत्मार जो कर्मर परिणाम आम कहे मन बुद्धि आधार व्यक्ति कर्म करे मन बुद्धि आधार जो कर्म करे कर्मर रेजल्ट भोग जो कर्मर रेजल्ट से भोगी थाए ता व्यक्तिर संस्कार बोले आम कही था तेणु मोटामोटी भाव में आम कह संस्कार हूँ कर्मर परिणाम तेणु एमती भी संस्कार विभिन्न प्रकार आसी थाए आउ जहाँ को आम कही था जे व्यक्ति जमती जन्म है तार कि आम कला देखा पाई था जोटा कि आम न शिखे अटोमेटिक सेटा होची तार पूर्व जन्मगत संस्कार ए जिनसरु आमे जानी परुचे जे आत्मा जेतेले सरय छाडीकी जाई थाए किछि संस्कार तार पूर्व जन्मरो नै के आसी थाए सेटा तो शरीरर संस्कार आमे कहिबा ना जे आत्मार संस्कार को आजबा जे एही शरीर धारण करितला एथिरे ए संस्कार सब रहितला तो जेतेबे आत्मा से शरीर छाडी दे जाउची तो आत्मा तो चली गला ना तो से संस्कार ता संगे भी पळे जेमती आमे कहूचे जे गोटे पवन चली जाऊँ पवन को आम देखी पारुना किंतु से गला बेले कौन हुए ना पुष्प मानकर सुगंध नहीं कि जाए थाए आउ से सुगंध आम कि दूर थी अनुभव ही करी था आज्ञा आज्ञा ठीक सेमती संस्कार आत्मार जो रही था कारण आत्मार कर्तव्य तो हूँ ट्रांसफर गोटे शरीर से गोटे शरीर प्रवेश करें जो डेथ बोली कहे डेथ मान कि नुहे जस्ट आम कहे ड्रेस आउ आड्रेस चेंज करवा हूँ आम डेथ आम गोटे ड्रेस गोटे शरीर रहीचे आउ गोटे ड्रेस मान आउ गोटे शरीर को चली जावा आबे जो आड्रेस आमर अच्छी परवर्ती मुहूर्त आम से आड्रेस चेंज होमें कहे जे ड्रेस आउ आड्रेस चेंज हो डेथ तेणु जिते बड़े आत्माटा चली जाए थाए से सी कौन कै ना आउ गोटे शरीर में प्रवेश कला बेले ता सहित से आ किछि नै कि जायनी केवल मन बुद्धि संस्कार तीन टा जिनस ता सहित जाय थाए आ से अनुसार से तार संस्कार प्रभाव पड़ी थाए आ से अनुसार से सपोज आम देखुचे जेमती गोटे छुआटे म्यूजिक बाजिले ही छोटो दिनु छोटोटे हेथिबो किंतु से नाचुची बहुत सुंदर भाव में नाचुची तेणु आम एथरु जानी पारुचे ताकु त कि नाच सिखे नहांती ना सेटा जेतले आमे सतप्रभु भाव में कह दो जेटा बन क्वालिटी पान क्वालिटी जोटा पूर्व जन्मर जो संस्कार से नहीं आस था आउटे संस्कार हो आम आलोचना आग को जारी रखा किंतु वर्तमान देखने ये गीत ठीक
गीतटी देखिले बहुत भल थिला ना ते बर्तमान फेरी आसवा भौणी को पाखकु से मते बहुत सुंदर आलोचना करछन्ते तबे भौणी जोटे कहुतिले जे आमर जो संस्कार रहि जाय थाए हाँ गोटे छोटे पिलाटी नाचुची तो आम जानते तार गोटे बर्न क्वालिटी तो सही भाविया पूर्व जन्मर किसी संस्कार रही जाए जो कि छोट बल से जिनस को ही ग्रहण कर जमी आम से संस्कृत गोटे श्लोक अच्छी शरीर जद वापनति जच्छा प्रोत् क्रामती स्वर गृहते त्वानी संजाति वायुर्गंधा निवासित पवन चली जाए था किंतु सहित से पुष्पर सुगंध नहीं जाए था ठीक से ही प्रकार भाव आम शरीर मध्य आत्मा चली जाए था किंतु सहित से मन बुद्धि संस्कार तीन टा जिनस नहीं जाए था आउ गोटे जिनस बुद्धि सहित जाए था आउ से अनुसार से कार्य कर संस्कार सहित जाए ठीक अच्छे भौणी जो कहले मो मन गोटे प्रश्न ये आसूची जदि जड़े किसी खराब कर्म कर खराब संस्कार रही शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर से आत्मा आउ गोटे शरीर प्रवेश कर खराब गुण गुड़िक देखा दे कि परिवर्तन आस हाँ से खराब संस्कार ताकि आसी थाए किंतु संस्कार परिवर्तन करा जाई पारिबो तेणु जो आम कहे संस्कार को आम चारि भाग विभक्त करदे परिवर्तन टा केमिति करा जाई पारिबो हाँ मुझे फास्ट आम जानी जिते जानी पारिबा जे संस्कार केते प्रकार जनकर जिते अनुभव करि पारिबा जे एई व्यक्तिर एई कारणरु एई संस्कार परिवर्तन हेछि सेई आधारे ताको आम चेंज करदे पारिबा जेमति आउ गोटे संस्कार गोटे छोट पिलाटे नहींक आसे बापा माँ संस्कार जहाँ को आम हेरिडिटरी संस्कार बोली कही था बाप माँ जो प्रकार संस्कार जमी सत्य कह जदि बाप माँ संस्कार हो पाटी से प्रकार सत्य कही था आउ ऑटोमेटिक सेटा ता भीतर इमर्ज हो जाए था केबे मिथ्या जेमिति के गुडे साधारण कथा नै देखै छी ता बापा गुण आनिछि कि बा गुण आनिछि एमते आमी कथा रे कहि छी आज्ञा आउ गोटे संस्कार जमती देखुची पिलार संस्कार बहुत भल अच्छी बाप माँ प्रभाव रे से प्रभावित भल पाठ पढ़ुची किंतु जेते से सांगसाथी सांगे बाहर मिसुची जेते बड़े पुणी घर को आसुची जा संस्कार आम कि परिवर्तन देखुची जहाँ को आम कहे कंपानियन माने सांगसाथी संग दोषर प्रभाव पड़ी थाए ये मध्य गोटे प्रकार संस्कार प्रभाव पड़ी थाए आउ गोटे हूँ तार ओरिजिनल संस्कार आत्मा जोटा नहीं के आसी से संस्कार धीरे धीरे आम भितर जिते आम जन्म नौचे से आम भितर डाउन भी हो जाऊँगी किंतु संस्कार को आम परिवर्तन करिबा आउ गोटे श्रेष्ठ संस्कार आम भितर अच्छी जोटा विल पावर बा दृढ़ इच्छा शक्ति जहाँ को आम कौच महात्मा गांधी मदर टेरेसा एम भितर यही संस्कार हिंसा दिने विश्व दरबार रे आउ इतिहास पृष्ठा रे परिचित करे तेणु यही संस्कार समस्त भितर थाए कौ समय क्या भितर इमर्ज हुए तो क्या भितर इमर्ज हो पारे ना जमी आम कहे महात्मा गांधी चबीस वर्ष पर भितर ये संस्कार इमर्ज होता जमी आम कहे मदर टेरेसा नौ वर्ष पर पूर्व भितर इमर्ज हो ना कि समय आसी था तेणु आम संस्कार को चाहिए परिवर्तन करदे पार जिते बड़े आम भितर से संस्कार संस्कार आम करवा गोटे जोटा आम कहे भल चिंतन प्रभाव आम पड़ब ए संपर्क आगे आलोचना जारी रखा कि बर्तमान दर्शक बंधु मान देखा ये गीतटी चिन्हई नहीं
ସେ କେତେ କେତେ ବହି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲି ଜ୍ଞାନ ଯେ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ କେତେ ବହି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲି ଜ୍ଞାନ ଯେ ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ ଏବେ ଜାଣିଲି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଶିବ ସେହି ନିଜକୁ ଦେଖଇଲା ମୁଝେ ଦୁଇ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖଇ ଦୁନିଆ ନିଜକୁ ଦେଖଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୀତ ତ ଦେଖିସାରିଲେ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଭଉଣୀଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଖକୁ ତେବେ ଭଉଣୀ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାର ସେ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗର ସଂସ୍କାର ତ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କେମିତି ନା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମା ଛୋଟ ଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିବାଜୀ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାରକୁ ତାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ତାର କରିଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ
ଯାଇଥାଏ ନିଜ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ତାର ମନୋବଳକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥାଉ ଆମେ ବା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଆମ୍ବିସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବୁ କି ଏମିତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ନିଜକୁ କରିଥାଏ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଆଉ ଭଲ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ତାକୁ ଆଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ତାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସଂସ୍କାରକୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସେ ଜଳେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମେଡିଟେସନ୍ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ ସେ ମେଡିଟେସନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମେଡିଟେସନ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଏଇଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ପରେ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ତା ସଂସ୍କାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ଜାଣିବା ଯେ ଆ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଆସିଯାଇଥାଏ ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଖାଲି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର କର୍ମର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜଣକୁ ସୋଲ୍ ମାନେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ସୁଖ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଏ ଗୀତଟି ଝଡ଼ ପଇସା ଖେ ମଣ
सपन आहे प्रेम माया तुमरी प्रेम रे भरी गला मो जीवन आहे प्रेम दर्शक बंधु देखिले ना ये गीतटी भल लगी निश्चय तो बर्तमान फेरी आस भी पाखक बर्तमान आप जो कहते हैं विषय में कंटिन्यू कर हाँ तो आम परिवर्तन करने पड़ो किंतु परिवर्तन ना भी से अनुसार आत्मार डिवाइडेशन हो जाए था। आत्मा तो केवल गोटे प्रकार नुहे ना आत्मा एमती था जोटा कि संस्कार द्वारा आत्मार परिवर्तन आसी जाए थाए बहुत किसी आलोचना करवा दर्शक बंधु मानक अनेक किसी जनवा कि दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए पुणी देखा यही कार्यक्रम आई समय आनेक किसी आलोचना सहित विदाय दिंतु रोच नमस्कार।